अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। मेरठ के लिए एक राहत भरी खबर। आज 4 और लोगों को संक्रमित टेस्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। ये चारों लोग उस इकरामुल हसन के ही रिश्तेदार हैं जो अमरावती से आया था। इसके बाद ही मेरठ शहर में कोरोना वायरस फैला था। इसके ससुर की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता व CMO डॉक्टर राजकुमार। अभी जो है हमारे पास 4 पेशेंट हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। और 4 पेशेंट हमारे जो है, पहले 9 हुए थे, आपको याद होगा कि हमने शनिवार को उनको डिस्चार्ज किया था। आज हमारे 4 पेशेंट और डिस्चार्ज हो रहे हैं। इनकी 2 कंटिन्यूस या उससे ज़्यादा रिपोर्ट निगेटिव हो चुकी हैं और पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट होते हैं, तभी डिस्चार्ज करते हैं। ये जो है, जो हमारे फर्स्ट पेशेंट थे इकरामुल हसन, उनके ही कॉन्टेक्ट के थे पेशेंट थे ये, वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, कहीं कोई इनको कोई तीसरे कंप्लेंट नहीं है। सर, अभी तक कितने पेशेंट यहाँ पे क्वारंटाइन है और किन की ऐसी लिस्ट है जिनको 15 दिन पूरे होने जा रहे हैं, उनको जल्दी ही डिस्चार्ज किया जाएगा, कुछ ऐसी ऐसी भी लिस्ट हमारे पास है, कैसी भी लिस्ट है। अब हम लोग कुछ लोगों का आज सैंपल भेज रहे हैं, जो इनका कुछ लोगों का सेकंड सैंपल है, कुछ लोगों का फर्स्ट सैंपल है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जब जो सैंपल जाते हैं और कंटिन्यूस 24 घंटे के से अंतर या उससे ज़्यादा अंतर पे 2 बार निगेटिव होते हैं तभी उसको भेज सकते हैं। और कम से कम यहाँ से 14 दिन हो जाने चाहिए। तो 14 दिन बाद एक सैंपल 13वें दिन जाता है, अगर वो निगेटिव आता है तो दूसरा सैंपल 14वें दिन जाता है, फिर उसके बाद उसको हम 15वें दिन डिस्चार्ज करते हैं। ये सिस्टम है। सर, जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं इनको किस तरीके से गाइडलाइन की दी जा रही है? इनके लिए गाइडलाइन ये है कि एक तो ये है कि ये घर में जा करके 14 दिन और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मतलब लिटरली होम क्वारंटाइन रहेंगे ये। होम क्वारंटाइन का मतलब ये है कि ये घर में अपने कमरे में ही रहेंगे, जिसमें अटैच प्रेफरेबली जिसमें अटैच लेटरिन बाथरूम हो वहीं पे खाना खाएंगे, और जहाँ तक हो सकेगा दूसरों से अगर मिलेंगे भी तो कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंस बना के रखेंगे। और अगर किसी भी तरह कोई सिम्टम होता है तो तुरंत आगे दिखाएंगे। आज 4 पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं यहाँ पे, चारों की 24 घंटे के अंतर पर 2 रिपोर्टें निगेटिव आ गई हैं। और ये चारों उसी फैमिली से हैं जो हमने 8 मरीज पीछे डिस्चार्ज किए थे, इकरामुल की फैमिली से हैं। इन लोगों के क्या क्या नाम है सर, जिनको छोड़ा जा रहा है? एक आज अजहर को छोड़ा जा रहा है, एक डिस्चार्ज किया जा रहा है, एक यास्मीन है, एक अरीशा है और एक मरियम है।